ऑलराइट, आज मैं आप सबके साथ एक रूल के बारे में बात करना चाह रहा हूं। देखिए, ये कुछ स्टोरी ऐसे है कि एक कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो दूसरी कंट्री में जाते हैं एक ऑफिशियल विजिट पे। तो दूसरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, हम मान लेते हैं कि जो पहली कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर ए हैं और जो दूसरी कंट्री के हैं वो मिस्टर बी हैं। तो मिस्टर ए मिस्टर बी की कंट्री में जाते हैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे। प्रेसिडेंट ए प्रेसिडेंट बी के ऑफिस में उनको मिलने जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा आदर सम्मान और स्वागत होता है और उनकी किसी चीज़ पे चर्चा हो रही होती है। एंड सडनली जो रेजिडेंट कंट्री यानी कि प्रेसिडेंट बी की जो सेक्रेटरी होती हैं वो एकदम घबराई हुई भागती हुई प्रेसिडेंट बी के पास आती हैं और बोलती हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, और जैसे कि यू नो कुछ अचानक घटना घटित हो गई हो। और वहाँ पे और डिग्निटीज बैठे होते हैं तो थोड़ा माहौल यू नो एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। तो जो प्रेसिडेंट बी हैं वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देख के बोलते हैं, सेक्रेटरी, रिमेंबर रूल नंबर 6, जो रूल नंबर 6 के बारे में मैंने आपको बताया था। वो जो सेक्रेटरी हैं वो एकदम रियलाइज करती हैं अपनी गलती को और वो कहती हैं, आई अंडरस्टैंड, और वो ऐसे बोल के बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो जो प्रेसिडेंट ए होते हैं, जो विजिटर होते हैं, वो देख के बड़ा हैरान होते हैं कि बड़ा अटपटी सी बात है, लेडी एकदम घबरा के आई और ये प्रेसिडेंट ने उनको कुछ रूल नंबर 6 की याद दिलाई और वो एकदम शांत हो गई और चली गई। खैर, वो इस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं होती है। दूसरे दिन अब जो प्रेसिडेंट ए हैं वो प्रेसिडेंट बी की गोल्फ स्टेट में गोल्फ खेल रहे होते हैं और गेम चल रही होती है और अचानक जो प्रेसिडेंट बी का एक और स्टाफ मेंबर है वो घबराते हुए किसी बात की चिंता को लेते हुए प्रेसिडेंट बी के पास आता है और जैसे उस लेडी ने एक्सप्रेशन दिखाया थोड़ा सा घबराया हुआ तो वो बोलता है, अरे प्रेसिडेंट सर 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 सर। एंड अगेन प्रेसिडेंट बी अपने स्टाफ मेंबर को बोलते हैं, रिमेंबर रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपको याद होना चाहिए। तो वो भी एकदम शांत हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब वो गोल्फ की गेम ख़त्म होती है और खाना खा रहे होते हैं। अब जो प्रेसिडेंट ए हैं उनसे रहा नहीं जाता, वो पूछते हैं, मिस्टर बी, प्रेसिडेंट बी, आप बताएंगे ये रूल नंबर 6 क्या है, क्योंकि भाई ये तो बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, कमाल का रूल आपने बनाया है। कोई एकदम घबराता हुआ आया और एकदम शांत होकर वो चला गया, तो अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ अगर मुझे आप इस रूल नंबर 6 के बारे में बताएं सो दैट मैं भी जाके अपने सेक्रेटरीट में अपने ऑफिस में इसको लागू कर सकूं। तो कहते हैं, श्योर मिस्टर प्रेसिडेंट ए, रूल नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, जो कि है, डोंट टेक लाइफ सो डैम सीरियसली। बस छोटा सा मूल मंत्र है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं एक बहुत बड़े देश का प्रेसिडेंट हूँ, कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है, हम लोगों की मदद करते हैं बट उसको बहुत धैर्य के साथ। सो प्रेसिडेंट बी इस तरीके से प्रेसिडेंट ए को रूल नंबर 6 के बारे में बताते हैं। तो प्रेसिडेंट ए पूछते हैं, रूल नंबर 6 ही क्यों, नंबर 6 ही क्यों? बेसिकली वो उनको ये कहते हैं कि भाई आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, ये तो एक तरीका है याद रखने का, आप 1 रखिए 2 रखिए, इट्स जस्ट दैट द वे टू रिमेंबर। तो जो प्रेसिडेंट बी हैं उन्होंने इसका नाम रखा इस रूल का, रूल नंबर 6, यही इसका मतलब था। सो दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 6।